हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं काफी दिनों बाद एक वीडियो लेके आया हूँ फिर से अनबॉक्सिंग की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो आ गई है काफी टाइम से, तो मेरे को कोई अच्छा सा फोन मिल नहीं रहा था। तो आप जाके मेरे को एक अच्छा सा फोन मिला है जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया है। यह है वन प्लस, जो कि वन प्लस नोट आपने देखा ही होगा अभी तक, जो पहला वाला वर्जन आया था। अभी ये नया वर्जन आया है जो कि वन प्लस नोट सीई 5G है। ये हमने मंगाया है 8GB वाला वर्जन। तो इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको इसमें क्या है खास, और आप भी इसे देख सकते हैं कि ये आपके लायक है या नहीं। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो बॉक्स से सामने से कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर नॉर्ड और नीचे वन प्लस की ब्रांडिंग दी गई है। और बैक साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर मॉडल नंबर, कलर ब्लू वाइट और प्राइसिंग, इसकी प्राइस दी गई है जो कि 24,999 है, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 9/2021 दी गई है। नीचे कुछ उसके फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 5G 8GB रैम है, 128GB रोम। और अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस लिखा गया है, और दूसरी तरफ देखें तो वन प्लस नॉर्ड सीई 5G लिखा गया है। और ऊपर टॉप में अगर हम देखें तो बार कोड दिया गया है, जहाँ से आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं बॉक्स को और देखते हैं क्या है इसके अंदर खास। तो बॉक्स ओपन होते ही देख सकते हैं आप, ये फ़ोन रखा गया है ऊपर से, इसको रखते हैं साइड में। और ये देख सकते हैं अंदर से आप, एक इसकी केबल और चार्जर मिला है, और एक दूसरा बॉक्स मिला है, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। सिम इजेक्टर पिन है, और एक ये नोट करके एक बुक मिली है जो कि इसकी गाइड होगी शायद, क्विक स्टार गाइड मिला है। साथ में इंफॉर्मेशन, सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, ये एक स्टिकर मिले हुए हैं, और हाईएस्ट सार वैल्यू यहाँ पर अलग से दी गई है। तो और एक ये मेंबरशिप कार्ड दिया गया है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, रेड केबल कार्ड, रेड केबल क्लब दिया गया है ये कार्ड। तो ये एटीएम कार्ड टाइप का है, तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। सिम इजेक्टर पिन वाले बॉक्स में यही सब देखने को मिलता है, और एक केस कवर है जो कि नीचे रखा है, मैंने अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये केस कवर, जैसे कि आजकल हर फोन में देखने को मिलता है, इसमें भी वैसा ही मिला है। तो बॉक्स में हमें चार्जर देखने को मिलता है जो कि रैप चार्ज 30T चार्जर है, ये आपके फ़ोन को लगभग 30 मिनट में चार्ज कर देगा, ऐसा कंपनी का कहना है, और वाकई में ये चार्ज भी कर दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर चार्जर दिया है साथ में, और इसके साथ एक केबल दी गई है जो कि रैप केबल है। इसका कलर आप देखें तो वाइट एंड रेड दिया गया है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, और ये सी टाइप चार्जर है, ये देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर केबल दिया गया है। तो चलिए अब दिखाते हैं फ़ोन का लुक आपको किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। कलर हमने जो है इसका ब्लू वाइट मंगाया है, और ब्लू वाइट वन प्लस में एक अलग ही यहाँ पर कलर है जो कि काफ़ी अच्छा है, हमें देखने को मिला है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर, तो देख सकते हैं आप फ्रंट साइड से यहाँ पर फ़ोन किस प्रकार से देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पर डॉट कैमरा देखने को मिलेगा, सेल्फी कैमरा, और इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट साइड की बात करें तो सिर्फ पावर बटन यहाँ पर देखने को मिलता है, और अगर हम इस फ़ोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो वॉल्यूम अप डाउन बटन दिए गए हैं, और यहाँ पर सिम ट्रे दी गई है। और अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं, चार्जर यहाँ पर जैक दिया गया है, माइक दिया गया है, और हेडफोन जैक दिया गया है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर कैमरा दिए गए हैं जो कि 64+8+2 3 कैमरे यहाँ पर दिए गए हैं, वहीं पर भी फ्लैश दी गई है, वन प्लस की ब्रांडिंग है वहाँ पर, और सारे वैल्यू वगैरह यहाँ पर स्टिकर लगा के दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका ब्लू वाइट कलर किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कलर है। फिंगरप्रिंट का इसमें कोई यहाँ पर इतना झंझट नहीं है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं फ़ोन को बूट और देखते हैं इसका इंटरफेरेंस।
तो फ़ोन हमारा हो चुका है बूट और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन, जो कि इसके अगर आप एजेस देखें तो बहुत ही कम है यहाँ पर बेजल्स, तो स्क्रीन रेशियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है आपको इस फ़ोन पे। इंटरफेरेंस की बात करें तो काफ़ी स्मूथ टच इसका हमें देखने को मिला है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ यहाँ पर टच है और काफ़ी सारी ऐप यहाँ पर प्री इंस्टॉल दी गई हैं जो कि आपकी डेली यूज़ के काम आएंगी। तो सेटिंग में जाके इसके देखते हैं अबाउट फ़ोन और दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8GB प्लस 128GB यहाँ पर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 750G यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड 11 हमें देखने को मिला है इस फ़ोन में, तो काफ़ी अच्छी बात है कि लेटेस्ट एंड्रॉयड मिला है और कंपनी यहाँ पर दो और एंड्रॉयड यहाँ पर अपडेट का वादा किया है, तो आपको दो और अपडेट यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे जो कि एंड्रॉयड 12 और 13 यहाँ पर होगा। तो देख सकते हैं आप काफ़ी स्मूथ टच है यहाँ पर। और अब अगर इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसका कैमरा हम ज़रूर से चेक करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर कैमरे में क्या क्या खास दिया गया है। तो यहाँ पर अलाउ कर देते हैं इसे और ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप स्लो मोशन सबसे पहले दिया गया है, वीडियो मोड दिया गया है, फ़ोटो मोड, फिर पोर्ट्रेट मोड, उसके बाद नाइट स्केप और यहाँ पर प्रो मोड। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर फंक्शन इसमें देखने को हमें मिलते हैं, ये पोर्नोमा मोड और टाइम स्लैप, तो वीडियो और मोड और ये सारा कुछ एक ही उसमें देखने को मिलता है। अभी हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें भी वही सब आपको देखने को मिलेगा जो जो यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि फ़ोटोज़ मैंने इसी फ़ोन से ली हैं, सेल्फी और रियर दोनों से। तो कुछ फ़ोटोज़ इसमें आपको इंडोर राइडिंग में देखने को मिलेंगी और कुछ फ़ोटोज़ आउटडोर में देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कैमरा सैंपल किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है इसमें से। तो इसी फ़ोन से मैं कुछ वीडियो सैंपल भी आपको दिखाऊंगा अभी आगे। ये वीडियो मैं इसके सेल्फी कैमरा से बना रहा हूँ जो कि नोट CE 5G है मेरे पास। तो देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी आ रही है इससे और वॉइस का भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसके रियर कैमरा से थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो अब आप ये वीडियो इसके रियर कैमरा से देख रहे हैं जो कि वन प्लस नोट CE है 5G। तो आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है रियर कैमरे की और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है, इससे आप जान सकते हैं कि ये फोन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखा दोस्तों इसका कैमरा किस प्रकार से काम करता है। ये जो रियर कैमरा से मैंने वीडियो बनाई थी ये इंडोर लाइटिंग में है जिसमें कि बहुत कम लाइट थी, फिर भी इसका कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और मैं इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर स्क्रीन में दे देता हूँ जो कि इसकी डिटेल्स है, इन डिटेल्स को आप देख सकते हैं और इसमें क्या क्या है वो भी सब मैंने इसमें लिख दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में, मुझे काफ़ी सही लगा है। तो यही था इसकी क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों जल्द ही आपसे फिर से। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का